हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनीषा राठौर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट, एम्स कल्याणी। तो आज है लाइब्रेरी टूर डे, सो इट्स अ सो ब्यूटीफुल कैंपस। तो चलो फटाफट से लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि कैंपस टूर भी जल्दी से ही डालूँ, क्योंकि रेनी सीजन के अंदर एम्स कल्याणी का कैंपस बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, आप देख सकते हैं उधर, एंड देन इट्स द सेंट्रल लाइब्रेरी। फटाफट से इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे तीन फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। तो जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर रीडिंग रूम्स हैं दो, और कैंटीन एरिया भी ग्राउंड फ्लोर पे ही है। यहाँ पे जो दोनों रीडिंग रूम्स हैं उसमें हम बाद में लेके चलेंगे, पहले चलते हैं कैंटीन की तरफ, क्योंकि खाते खाते भूख लग जाती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो चलते हैं। एंड हाय मनन, सो ही इज़ 2022 स्टूडेंट, ऑल टाइम फेवरेट जूनियर ऑफ ऑल द सीनियर्स आई गेस। सो चलो, यहाँ पे है ये फैकल्टी का एरिया, जहाँ पे फैकल्टी वगैरह जो खाना वाना खाते हैं वो सब। और ये आते हैं हम कैंटीन की तरफ। सो आई वॉज आस्किंग भैया कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ क्या, तो ही वॉज सेइंग कि हाँ हाँ करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सब कुछ 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 खाने का रखा है, जहाँ से हम पूरे टाइम खाते पीते रहते हैं। और कैंटीन में स्पेस भी ठीक ठाक है और खाना भी बहुत कुछ मिल जाता है। मतलब हमारा शाम का टाइम तो यहीं पर बीतता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और उधर ये मियो अमोर का जो स्टोर है वो लगा हुआ है, यहाँ पे पेस्ट्रीज, केक्स और बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी मैं शाम को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इनका रोज़ का इतना ये सब कुछ फुल जो होता है वो फुल कंप्लीट ख़त्म हो चुका होता है। तो नमन ये भी बोल रहा था कि यार ये तो ख़त्म हो चुका है, एंड ये यहाँ पे ड्रिंक्स हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होगी अगर कैंटीन में, तो क्यों नहीं बीतेगा हमारा सारा टाइम यहाँ पे, यार ऑब्वियसली बीतेगा। तो चलो सबसे पहले सेकेंड फ्लोर चलते हैं, जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा जाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हमारे पास लॉकर्स, जहाँ पे बैग्स वगैरह रखने होते हैं। अंदर सिर्फ वाटर बॉटल और बुक्स ही अलाउड होती हैं। तो यहाँ पे ये रजिस्टर के अंदर सारी हम एंट्री करके फिर हमें जाना होता है। फिर ये सारी बुक शेल्फ, यहाँ पे इतनी सारी बुक्स रखी हुई है, ना खाली MBBS की, नर्सिंग की भी है, PG के लिए भी है। तो PG स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आके पढ़ते हैं, हम भी पढ़ रहे होते हैं, JRs भी यहाँ पे आते हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स भी यहीं पे रहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स भी यहीं पे रहते हैं। तो सब लोग यहीं पे पढ़ रहे होते हैं और सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। और जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, और एक एक कंपार्टमेंट वाइज जो पूरी लाइब्रेरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे डिस्कशन एरिया भी अलग से हैं, जहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, और अलग से रूम्स है जहाँ पे आप पूरा ग्रुप डिस्कशन, आपको अगर करना है तो हम ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। एंड कौन पढ़ रहा है अंदर? ओह, इट्स आदि। हाय आदि। सो चलते हैं, इसको पढ़ने देते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ जर्नल्स वगैरह रखे हुए हैं, सोफ़ाज़ भी हैं यहाँ पे, ताकि हम रेस्ट ले सकें, या फिर वहाँ पे बैठ के हमें पढ़ना है तो वो सारी चीज़ें भी हो जाती है। सेकंड फ्लोर आई गई हूँ तो थोड़ी देर पढ़ भी लेती हूँ, यार सोच रही हूँ उसके बाद में नीचे वाले फ्लोर दिखाऊंगी। तो ये है ओसवाल बुक्स, इसके अंदर आपको 36 ईयर्स के चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ में इसका जो कंटेंट है वो बहुत ही क्रिस्प है, और आपको इसके अंदर मिल जाता है 2023 का भी पेपर विद OMR शीट, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। और नीट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो ये है कि आपको चैप्टर का एनालिसिस पता होना चाहिए, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखी हुई है। समराइज बहुत अच्छे से करा हुआ है इस बुक के अंदर, चैप्टर को लास्ट में नीट के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इसके अंदर ट्रिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल दी हुई है। मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी कैपेसिटिव और इंडक्टिव करंट पे, करंट कब लीड करता है, वोल्टेज कब लीड करता है, लेकिन बहुत ही इजी सी ट्रिक के साथ में ये टेंशन भी खत्म। तो नीट की प्रिपरेशन के हिसाब से ये बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसी के साथ साथ में ये आपको बाकी दोनों सब्जेक्ट्स की भी मिल जाएगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा लिंक ज़रूर यूज़ करें। सो अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। जो रीडिंग रूम है वो अब खाली भी हो चुका है, तो आप आराम से देख सकते हैं। ये भी काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ते रहते हैं। मोस्टली क्या होता है, जब क्लास ख़त्म हो रही होती है और वापस आधे घंटे में कोई क्लास है या फिर ऐसा कुछ होता है, तो हम यहाँ आके बैठ जाते हैं कि हाँ फटाफट नीचे आएंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। और अब चलते हैं दूसरे वाले रीडिंग रूम की तरफ कि वो कैसा है। उसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है, काफ़ी सीट्स अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग पढ़ते रहते हैं, ये भी मुझे काफ़ी सही सा लगता है। फिर अपन फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जैसा सा ही है, वही लॉकर्स हैं, यहाँ पे भी हम बैग्स वगैरह रखते हैं, बाहर थोड़ा सा एरिया है ताकि हम आके बैठ सके। फिर आज कोई सेलिब्रेशन होने वाली थी तो उसके लिए बलून्स वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग से एक रूम है जो टीचर्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है, तो वहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन होना था। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस है जहाँ पे अभी तक बुक शेल्फ वगैरह नहीं आई है, जो थोड़ा टाइम में आ जाएगी, बट इतनी बुक्स की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। और आगे का जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसके अंदर भी अच्छे से पूरा कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और सोफ़ा भी अलग से है ताकि हम वहाँ पे बैठ के थोड़े रेस्ट ले सकें।
यहाँ पे भी डिस्कशन रूम्स हैं, हालांकि फर्स्ट फ्लोर वाले डिस्कशन रूम्स अभी तक खुले नहीं हैं, हमें सेकंड फ्लोर ही जाना पड़ता है। वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है उन रूम्स की ज़्यादातर, क्योंकि बाहर भी लाइब्रेरी में तो वैसे भी शोर नहीं होता, और डिस्कशन तो हम यार रूम पे ही कर लेते हैं, मतलब लाइब्रेरी में जाके कौन ही डिस्कशन ज़्यादा करते हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन वगैरह कभी बनानी होती है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। सो यार, ये था लाइब्रेरी टूर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी स्पेसियस और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी है हमारे एम्स कल्याणी में। और अब मुझे लग चुकी है भूख, तो नीचे जाके मुझे डोसा खाना है, यहाँ का डोसा बहुत ज़्यादा सही लगता है मुझे। फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।